जनपद सोनभद्र दिनांक 18 मई 2024 दिन शनिवार विधानसभा क्षेत्र दुधी में समाजवादी पार्टी के लोकसभा 80 के प्रत्याशी छोटेलाल खरवार एवं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री विजय सिंह गोंड एवं दुधी विधानसभा 403 उपचुनाव के सपा के प्रत्याशी गोंडवाना भवन में समाजवादी पार्टी कार्यालय का संयुक्त रूप से उद्घाटन करते हुए चुनावी तैयारी का बिगुल फूंकते हुए कन्हर सिंचाई परियोजना से जुड़े हुए विस्थापितों के कॉलोनी में हजारों कार्यकर्ताओं जिसमें मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम निहोर यादव एवं समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख म्योरपुर संजय यादव मौजूद रहे, पहुंचकर जनता की जन समस्याओं के लिए आवाज उठाए। इस संबंध में क्या कहना था, देखे ग्राउंड से ए टू जेड यूपी खास की ये खास रिपोर्ट। जो है विस्थापित कॉलोनी है, कन्हर सिंचाई परियोजना जो 78 से चालू हुआ था और ठप हो गया था, अखिलेश जी की जब सरकार बनी तो इसमें कई हजार करोड़ रुपया उन्होंने एकमुश्त दिया और इसको पूरा करवाया बांध को, और पानी भी भरा और ये लोग डूब के क्षेत्र के लोग हैं, अपना घर द्वार छोड़ करके और यहाँ पर बसे हैं। इनको सरकारी प्लाट मिला है और 3 पीढ़ी का मुआवजा मिला है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जो अखिलेश जी ने बनाया है, लेकिन फिर भी इनकी समस्या है। जो दबे कुचले गरीब आदिवासी वंचित जो लोग रह गए हैं उनका मुआवजा नहीं मिला है, वो अधूरा है, उसको दिलवाना है, इसलिए हम लोग आए हैं और सांसद जी को लेके आए हैं। और ये जो मौजूदा सरकार है योगी की सरकार, ये इनको केवल 1100 करोड़ रुपया देना था 10 साल में, और दोनों नहरें दाई नहर बाई नहर ये चालू हो जाता 2019 में पानी आ जाना था, और 2019 में जब पानी आ जाता तो यहाँ अब तक यहाँ के किसान सब माला माल हो जाते, यहाँ 3 फसल होता जो है खरीफ रबी जायद, और धान काटने जो यहाँ के गरीब आदिवासी मजदूर रावर्सगंज जाते हैं वो बंद हो जाता और यहाँ पे सैकड़ों राइस मिल लग जाता। तो इस बहुदेशीय जो कार्यक्रम था, ये परियोजना था और ये किसानों के हित में था। दुधी वैली दुधी घाटी और ये जाएगा पानी कौन तक और भवनाथपुर तक झारखंड तक जाएगा पानी, लेकिन एक ब्लॉक दुधी का पूरा कल्याण हो जाता है यहाँ पर। ऐसे इससे ये साबित होता है जो योगी सरकार ने पैसा नहीं दिया ये किसान विरोधी सरकार है, और उससे भी साबित हो रहा है जो MSP का मांग कर रहे हैं वहाँ धरना अनशन प्रदर्शन चला, 700 किसान मर गए वो भी इससे, और दोनों घटनाओं से ये मालूम होता है कि ये भाजपा की सरकार किसान विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, बेरोजगार विरोधी है, नौजवान विरोधी, छात्र विरोधी, और इसको हटाना है। हम लोगों का नारा है आदिवासी भगाओ देश बचाओ, भाजपा भगाओ देश बचाओ, आदिवासी बचाओ और संविधान बचाओ, इस नारे को लेके हम लोग चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में, यही कराने वाले हैं ना जी? हम जो है कि पहले सुंदरी मकान था लेकिन अब विस्थापित हो गए, हम कॉलोनी में आ गए। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी यहाँ कन्हर में पानी है ही नहीं है, इतना बड़ा करोड़ों रुपया आना जाना कई हजार करोड़ लगा, अभी जाकर के कन्हर में देखिएगा तो कोई पानी नहीं है। और अभी इस सरकार में जो सरकार जो मौजूदा हाल है, इस सरकार में हम लोगों ने पूरे विस्थापित के लोग न जाने कितने फाइल पर फाइल जा करके जमा कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है। सांसद जी, अगर आप सत्ता में आते हैं, अगर चुनाव जीते हैं, क्या करेंगे इस गांव के लिए? सबसे पहले तो मैं जो विस्थापित हैं अपने कन्हर के लोग, उन लोगों के साथ बहुत ही धोखा सरकार ने की है। अब तक जो कार्य हो जाना चाहिए था वो कार्य नहीं हुआ। किस लिए नहीं हुआ? वो जानते थे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कार इतना हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों रुपये का ये दे करके ये कार किया गया कि यहाँ के किसानों को नौजवानों को सबको फ़ायदा मिलेगा, हर खेत को पानी मिलेगा, हरियाली आएगी, उनका दुख दर्द होगा, लेकिन यह कार नहीं हो पाया क्योंकि सरकार नहीं है, इसलिए ये कार को रोका गया है और जान जान के धीरे धीरे पैसा दे करके इस कार को किया गया है। आगे इंडिया की सरकार बनने जा रही है, केंद्र में हम लोग जीत कर चुनाव आते हैं, विजय चाहता हूँ चाहे हम हो, प्रथम यहाँ की समस्या लेकर के हम लोग उठाएंगे और सभी लोगों को बात सुन करके और समस्या का समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
उधर से आए वहाँ से सागो बांध आए अपने यहाँ से शुक्रिया हो गया है? साइकिल पे और दीजिएगा 8,000 का महीना 1,00,000 का साल मिलेगा। सब लोग ध्यान दीजिएगा, दो बटन दबाना है। कन्यादान भी जो मिलता था, साइकिल मिलता था, वृद्धा पेंशन मिलता था, जो सारा कुछ आपको वापस होगा जो चिन्ह आ गया है। अच्छा, केवल चावल से नहीं ना होगा भैया? नहीं, चावल से नहीं होगा ना, तुम्हें देना ही पड़ेगा ना। साइकिल चुरा चाइकिल।